हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा एक मशरूम का रेसिपी लेके आई हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक रेसिपी ऑफ ओडिशा। एक सिंगल पॉट में हम सारा इंग्रेडिएंट्स को डाल के इसको स्टीम करके बनाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इसका रेसिपी। सो पहले चलिए हम बना लेते हैं मस्टर्ड पेस्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड सिल लिया है, हाफ चम्मच क्यूमिन सीड लिया है, हाफ चम्मच पॉपी सीड्स लिया है जो कि खसखस बोलते हैं, और फिर चार बड़े गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, एक ग्रीन चिली। पहले हम इसे बिना पानी ऐड किए एक बार ग्राइंड कर लेंगे, फिर हम पानी ऐड करके इसको स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमारा मसाला रेडी हुआ है, एकदम स्मूथ सा एक पेस्ट बना है। सो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। मैंने यहाँ पे एक वाइट सा पैन लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये मशरूम्स। ये वाला मशरूम को वाइट क्राब मशरूम बोलते हैं। आपके पास जो भी मशरूम अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक आलू को छोटे छोटे टुकड़े में काट के लिया है। देन मैंने यहाँ पे ऐड किया है एक टमेटो स्लाइसेस और एक अनियन का स्लाइसेस, दो फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, खूब सारा धनिया पत्ता, एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, दो चम्मच मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। मेक श्योर कीजिए आप इस रेसिपी के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक टेस्ट दिलाता है। ऊपर से मैं थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर को स्प्रिंकल कर रही हूँ, बस कलर लाने के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला देंगे। एंड में हम दो तीन चम्मच पानी ऐड कर लेंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा स्टीम होने के लिए। अभी मैं इसको गैस के ऊपर कुक होने के लिए रख रही हूँ। 20 मिनट्स तक इसको स्टीम करना है लो मीडियम फ्लेम में। 20 मिनट्स के बाद हम कवर हटाकर चेक कर लेंगे। अगर ये कुक नहीं हुआ होगा तो और 5 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। मेरा ये प्रॉपरली कुक हो चुका है, तो मैं लास्ट में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। इसको गरम गरम सर्व कीजिए व्हाइट राइस के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। ओडिशा की लोकल लैंग्वेज में हम इसे छत्तू वाटीवसा बोलते हैं और ये सबका फेवरेट होता है। If you like this very simple and authentic recipe, then do try at home and let me know your valuable feedback in the comment below. I'll see you soon with a new recipe. Till then, bye-bye, take care and thanks for watching.